तो फ्रेंड्स, आज लेक्चर हमारा है भारतीय संविधान के ऊपर। तो भारतीय संविधान दोस्तों, जैसा कि आपने बहुत वीडियो देखा होगा भारतीय संविधान का, तो भारतीय संविधान का हम इतिहास आज नहीं देखेंगे, केवल मौलिक कर्तव्य के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो भारतीय संविधान के इतिहास की बात करें तो उसमें बहुत सारे एक्ट आए, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और उसके बाद में आपका क्या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट आएगा आपका, फिर 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत सारे एक्ट बने हैं जिससे। और सबसे महत्वपूर्ण यदि बात करें भारतीय संविधान में बनने की, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम मिला है, वहाँ से बहुत सारे संविधान हूबहू उतार लिए गए भारतीय संविधान में। इसलिए भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनकर उभरा, और इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कुल मिलाकर लगी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं आज मौलिक कर्तव्य के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो कुछ आप पहले मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार आपके कुछ दिए गए होंगे। मौलिक अधिकार आपके दिए गए हैं, पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, और अब आपके इस समय मौलिक अधिकार 6 बचे हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है दोस्तों, 19F और 31 में जो है भारतीय, मतलब ये था क्या कहते हैं, संपत्ति का अधिकार, इसको हटा कर जो है एक विधि अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आज हम बात करने वाले मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य के बारे में केवल डिस्कस, ये सब तो बात की बातें हैं दोस्तों, केवल मौलिक कर्तव्य पर आज डिस्कस करते हैं। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों, आपके अधिकार कुछ दिए जाएंगे आपको, तो कुछ आपको कर्तव्य करने होंगे, तो उन कर्तव्यों पर आज हम डिस्कस करेंगे कि आपके कर्तव्य क्या हैं। पहले तो 10 कर्तव्य हुआ करते थे, अब 11 कर्तव्य कर दिए गए हैं 2002 से। 86वां संविधान संशोधन हुआ भारतीय संविधान में, तो इसके तहत आपका ये बन के तैयार हुआ। तो दोस्तों, हाय, मैं हूँ शिवम शुक्ला और आप देख रहे हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट। बढ़ चलते हैं अपने टॉपिक पर कि मौलिक कर्तव्य आखिर में होते क्या हैं, क्या क्या है हमारे मौलिक कर्तव्य 11, कैसे हम आपको इसके पढ़ाएंगे, कैसे डिस्कस होना है आज इस पर। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो दोस्तों, ये सरदार स्वर्ण सिंह का व्यक्ति थे, इनकी समिति यानी इन्होंने अध्यक्षता की उस समिति की, कि 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन, मतलब इसको एक मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है 42वां संविधान संशोधन को, क्योंकि इसमें बहुत सारे, मतलब बहुत सारे अनुच्छेद डाले गए, मतलब बहुत सारे संविधान संशोधन हुए इसमें, मतलब बहुत सारे अनुच्छेद बन के आए सामने 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक, इस समय इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, इसका दूसरा पॉइंट ये जो अब ये मेन एग्जाम में पूछा था कि मौलिक कर्तव्य कहाँ के, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दोस्तों वो रूस के संविधान से, इसे रूस के संविधान से लिया गया है। अगले पॉइंट की बात करते हैं हम, इसे भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है, भाग 4 का के 51 अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। तो ये हो गई दोस्तों मौलिक कर्तव्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अब बात करते हैं हम कि मौलिक कर्तव्य जो 11 हैं वो कैसे हैं, किस प्रकार से हैं। तो मौलिक, तो फ्रेंड्स, तो ये मौलिक कर्तव्य आपके जो हैं ये 11 हैं, और देखिए कैसे, कौन से मौलिक कर्तव्य क्या है, यानी पहला मौलिक कर्तव्य के बारे में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो देखिए पहले मौलिक कर्तव्य की, यानी तो देखिए दोस्तों, मतलब ये है आपका मौलिक कर्तव्य, यानी प्रत्येक, पहला मौलिक कर्तव्य है, आप देखिए पहले लाइन पे, हम इसको डोनेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मतलब इसमें डोनेट करेंगे तो आपका वो अक्षर जो है वो लुप्त हो जाएगा, मतलब ढूंढ नहीं, मतलब उसको अच्छे से दिखेगा नहीं आपको मेन फ्रंट पे। तो इसीलिए दोस्तों आप वैसे देख लीजिए, पहला मौलिक कर्तव्य हमने यहाँ पे एक चिन्ह लगा के रखा, नहीं पहला मौलिक कर्तव्य, यानी प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारतीय संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, मतलब अपने देश के लिए आप मतलब सबका आदर करें, सम्मान करें, राष्ट्रगान बज रहा हो तो अपनी योग मुद्रा में खड़े हो जाएं, सावधान मुद्रा में, तो यही सब है आदर सम्मान करना। बात करते हैं हम दूसरे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य की, स्वतंत्रता के लिए हमारे आंदोलन, मौलिक दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। ठीक है दोस्तों, तीसरे अधिकार क्या बोला, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। जी हाँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स देखिए, चौथे मौलिक कर्तव्य, चौथा मौलिक कर्तव्य सबसे छोटा, यानी तो देश की रक्षा करें, चौथा मौलिक कर्तव्य सबसे अच्छा है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है चौथा मौलिक कर्तव्य कि देश की रक्षा करें। ठीक है दोस्तों, देश की रक्षा करेंगे तो सब संपत्ति, मतलब सब अच्छे से रहेगा। पांचवें मौलिक कर्तव्य की बात करें हम, भारत सभी लोगों में समरसता और समान
भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। ठीक, सभी लोगों को ये मतलब दिया जाता है कि मतलब ये भ्रातृत्व की भावना का निर्माण सबके अंदर करें। ठीक है, छः, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। ठीक है दोस्तों, सत्रहवां मौलिक कर्तव्य क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। अठारहवां मौलिक कर्तव्य की देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब ये जो मतलब साइंस हुई इसको मतलब बढ़ावा देना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नौवें मौलिक कर्तव्य की, यानी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति यानी संचित निधि, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ग्यारहवां मौलिक कर्तव्य दोस्तों, माता पिता संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया। पहले भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे, अब इस समय 11 है, यही मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, देखिए अब थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हमारा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है, और इसको हमारे चैनल स्कूल स्टूडेंट सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।